सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप जो अपने इंस्टाग्राम रील्स को भी वायरल कराना चाहते हैं, जिसके वजह से दोस्तों आपने यूट्यूब में काफी सारे वीडियो देख चुके हैं फिर भी दोस्तों आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो दोस्तों तभी आप जो है मेरे वीडियो को क्लिक किया है। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को क्लिक कर ही दिए तो इस वीडियो में दोस्तों आपको 5 स्टेप बताऊंगा, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा जेन्युइन ट्रिक है। दोस्तों मैं खुद इसको यूज किया हूं, ट्राई किया हूं, जहां से दोस्तों मेरा भी अच्छा खासा दोस्तों व्यूज आने लगा है। दोस्तों यहां से फॉलोवर्स भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो दोस्तों इस वीडियो में ना जो 5 ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों, उसको आपको जो है अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है जैसे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ना पूरा एंड तक जरूर से वॉच कीजिएगा, और दोस्तों लास्ट वाला ट्रिक जो है काफी बेहद जरूरी आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 दोस्तों, इंस्टाग्राम रील्स को वायरल कराने के लिए स्टेप नंबर 1 जो कि काफी बेहद जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम पे एक चीज चेक कर लीजिएगा, आपने अपने इंस्टाग्राम पे किसी बड़े सेलिब्रिटी का वीडियो जो है आपने अपलोड तो नहीं किया, जैसे मिस्टर फैसू दोस्तों, रियाज या फिर रोहित, अभी काफी सारे लोग जो है दोस्तों इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि उन सारे लोगों का मैं वीडियो अपने जो इंस्टाग्राम पे जो है अपलोड करूंगा तो मेरे जो है दोस्तों फॉलोअर्स बढ़ेंगे और मेरे भी इंस्टाग्राम वायरल होगा, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सबसे बड़ी गलत फहमी है। तो आप जो है जल्दी से उन सारे लोगों के वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा बाद में इस वीडियो को देखने के बाद। स्टेप नंबर 2 जो कि दोस्तों ये भी काफी बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर आपको इंस्टाग्राम को वायरल कराना है तो सबसे पहले चीज जो है दोस्तों वो कंटेंट। दोस्तों कंटेंट के साथ दोस्तों आपका क्वालिटी, जी हाँ दोस्तों क्वालिटी तो काफी बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको यह चीज का ख्याल रखना होगा कि लोग मेरे वीडियो को देखें क्यों जरूरी है, और दोस्तों मेरे वीडियो में कौन सी ऐसी चीज हो जो कि लोग मेरे वीडियो को दोस्तों अगर 30 सेकंड का वीडियो तो 15 सेकंड तो बिल्कुल देखे। अगर दोस्तों आपका 30 सेकंड का वीडियो लोग अगर 15 सेकंड भी आपके वीडियो में टाइम दे देता है तो 100% जो दोस्तों आपका वो रील्स जो है दोस्तों वायरल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि दोस्तों मुझे जो क्वालिटी का बिल्कुल भी ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने रील्स के क्वालिटी का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों तो आपका वीडियो, आपका रील्स को वायरल करने से दोस्तों कोई भी रोक नहीं सकता है, मैं भी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों स्टेप नंबर थ्री क्या है दोस्तों, वो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। स्टेप नंबर 3 जो है दोस्तों वो ये है कि आप जो अपने इंस्टाग्राम पे हैशटैग का यूज करते ही होंगे, तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखना है आप किस कैटेगरी के वीडियो बना रहे हैं। फनी बना रहे, मोटिवेशनल बना रहे, डांसिंग बना रहे, कॉमेडी बना रहे, क्या बना रहे, जिस हिसाब से आप जो अपना वीडियो बना रहे उसी हिसाब से आपको अपने अपना जो है हैशटैग को यूज करना है। काफी सारे लोग जो है क्या करते हैं, उनका जो है वीडियो दोस्तों मोटिवेशनल होता है या फिर दोस्तों फनी वीडियो होता है और हैशटैग में वो क्या करते हैं मोटिवेशनल हैशटैग को यूज कर लेता है। तो दोस्तों वहां से जो है आपको कोई भी दोस्तों फायदा नहीं होगा बल्कि और भी नुकसान होगा। और दोस्तों हैशटैग कितना यूज करना है वो काफी बेहद जरूरी है। तो हैशटैग को दोस्तों आपको ज्यादा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, हैशटैग को दोस्तों 3 से 5 हैशटैग को यूज करना है। 4th ट्रिक्स जो कि दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ही होगा, जो कि दोस्तों काफी बेहद जरूरी है। पहले पता है दोस्तों आप गलती क्या करते हैं, आप जो अपने इंस्टाग्राम के रील्स को अपलोड करते हैं, करने के बाद दोस्तों आप अपने वीडियो को बार बार देखते हैं होता क्या है दोस्तों, अपने वीडियो को देखने से काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों आपको अपना वीडियो को गलती से भी एक बार भी नहीं देखना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अपलोड कर दिया, करने के बाद दोस्तों 2-3 घंटे के बाद देखना है कि मेरे वीडियो में कितना व्यू आया है। तो दोस्तों 4th ट्रिक यही है, इसका आप लोग बिल्कुल से ख्याल रखिएगा। अब दोस्तों 5th ट्रिक जो कि मैंने आप लोगों को बताया काफी बेहद जरूरी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों ये है, अगर आप इंस्टाग्राम को यूज करते ही हैं तो रोजाना आप रील्स को देखते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों आपको वो ये पता लगाना है कि आज इंस्टाग्राम पे क्या चीज वायरल है, आज कौन सा गाना वायरल है, आज कौन सा दोस्तों डायलॉग जो है वायरल है। आपको इस चीज को दोस्तों ध्यान में रखते हुए उसी टॉपिक पे दोस्तों आपको जो अपना रील्स बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेम दोस्तों आपको अंदर से दोस्तों वो टैलेंट दिखाना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आप देखते हैं काफी सारे लोगों का जो है रील्स जो जैसे ओपन करते हैं दोस्तों पूरा, अगर 30 सेकंड का रील्स क्यों ना हो दोस्तों पूरा 30 सेकंड आप वहां पे टाइम देते हैं, तो उसी तरह से दोस्तों आपको भी अपने जो है रील्स में वो क्वालिटी लेके आना
पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आपके वीडियो में, आपके रील्स में लोग रुकेंगे। जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों आप पांचवी ट्रिक को यूज कर लेंगे रोजाना दोस्तों, आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो है रील्स बनाएंगे तो 100% दोस्तों आपका रील्स जो है दोस्तों वायरल हो जाएगा और दोस्तों आपके इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 5 ट्रिक्स है जो कि आप लोग यूज करिएगा। और दोस्तों आपको कमेंट में और भी अगर कुछ पूछना हो जो आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट में जरूर से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, अल्लाह हाफिज।